नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट पारा मनोहर जैत तोसिक बोल रहा हूँ। आज के लोट में जो मैं जंगल घूमने जाता हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बकरियाँ जो मैं घूमने गया तो ये बकरियाँ देखी, तो ये देखो बकरियाँ, इसमें बच्चे वाली बकरियाँ भी है, प्रेग्नेंट भी है, लेकिन नस्ल वाली बकरियाँ अच्छी। ये बकरी है, इसके दो बच्चे हैं, ये दूसरी बार बच्चा दिया, इसमें एक मेल एक फीमेल है। देखो रेट के बारे में मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे यहाँ लोट पे है, केक का रेट नहीं बता पाऊँगा कि ये एक बकरी कितने की है, ये एक बकरी कितने की है। ठीक है, मेरे यहाँ लोड पे हम काम चलता है, मतलब क्वांटिटी में माल जाता है, कम से कम 10-15-20-25 ऐसे बकरियों का लोड जाता है। तो इसे एक नहीं गए, एक की रेट नहीं पूछेगी ये कितने की पड़ेगी कितनी, क्योंकि मैं लेने जाता हूँ तो क्या है नहीं कि वो खरीद के लाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो हर बंदा नहीं दे पाता बकरी, ये समझते हो आप। हर जंगल में जाता तो हर किसान हर बकरी को नहीं देता है, जैसे ये बकरी नहीं दे पाएगा, ये लोड में वो पूरा का पूरा लोड देगा तब देगा। तो ये बच्चे वाली है, ये एक दो दिन के बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, और ये सारी लोडेड बकरियाँ हैं। ये इसमें कोई पहली बार बच्चा देगी, कोई दूसरी बार बच्चा देगी, लेकिन बकरियाँ सारी अच्छी है, आप खुद देख के पता लगा सकते हो। ये लोडेड है, ये थोड़े दिन में बच्चा देने वाली है, वो भी लोडेड है, मतलब ज़्यादा उम्र की है, ये मतलब 1 महीने 2 महीने 4 महीने की लोडेड बकरियाँ, लेकिन नस्ल वाली चीज़ है, अच्छी बकरी है भाई, आप पता लगा सकते हो। देख को बकरी को वो देख के पता कर जाता है कि भाई किस रेंज तक की है। रेंज के बारे में बात करूँ तो भाई आपकी क्वांटिटी पर ही डिपेंड होता है कि कितनी बकरियाँ ले रहे हो, उसी हिसाब से रेट का डिसीजन होता है। देखो ये बकरियाँ मैंने देख के आए हूँ, मेरे फार्म पे नहीं है, मैं केवल देखने जाता हूँ। ये ब्रीडर है, पूरे दांत पे, यानी कि 4 दांत 2 दांत पूरे दांत पे है, वजन 100+ है इसका, ठीक है। और ये अंडू है, कस्सी बकरा नहीं है, अंडू है, ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बढ़िया कलर में है, पूरे गहरे कलर में है सिरों, और 100+ इसका बॉडी वेट है, ठीक है, और ये लगभग पूरे दांत पे है। ब्रीडर की देखो रेटें भी मैं मेंशन जब करूँगा जब कोई बंदा लेने से इच्छुक हो, मैं वीडियो में नहीं खोलता क्योंकि जो वीडियो में इसके अंदर मैं कम से कम 4-5 ब्रीडरों की वीडियो बनाई है, तो सबके रेट अलग अलग है, जिसको लेना उसी हिसाब से रेट पूछ सकते हो। मैं इसकी रेट मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ भाई। देखो कि ये बॉडी वेट में 100+ है, ठीक है, और पूरे दांत पे है, मतलब पूरा दांत कर चुका है, और ये है बच्चा 2 दांत पे, इसका बॉडी वेट लगभग 60 या 70 के बीच में है, 70 बॉडी वेट पे, लेकिन हाइट और लेंथ में बेस्ट ब्रीड बकरा है। ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, ईद के लिए नहीं, ये ब्रीडिंग के लिए, बकरियों पे रखने के लिए सबसे बढ़िया बकरा है, 2 दांत पे है ये, ठीक है। इसका लगभग 70 kg एवरेज बॉडी वेट होगा, बढ़िया है बच्चा, हाइट लेंथ देखो आप, ठीक है। ये मैं ब्रीडर जहाँ जाता हूँ ना भाई जंगल घूमने, तो जंगल की सैर कराता हूँ, तो मैंने वीडियो बनाने की थोड़ी इच्छा हो जाती है तो बना लेता हूँ, ठीक है। मैं हर बकरे नहीं ले पाता हूँ, जैसे मेरे बजट में आता है तभी बकरे ले पाता हूँ, ऐसे नहीं कि भाई वो किसानों की मांग ही डिमांड फुल हाई होती है, ठीक है। तो जो बकरा मुझको जचता है वही लेता हूँ। ये 2 दांत पे है, 70 kg बॉडी वेट इसका, आराम से है, मैं ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। इसके भी रेट मेंशन मैं आपको जो लेने वाला उसको बता सकता हूँ, ठीक है, रेटों के बारे में अंदाज़ा। ब्रीडर का अभी और ब्रीडर आएंगे, ये बढ़िया ब्रीडर है, मतलब 2 दांत पे है, ये लगभग 13 महीने का बच्चा है, और ये बकरियाँ हैं जिसमें बच्चे वाले भी है, प्रेग्नेंट भी है, ठीक है। रेट का बात है तो ये बता दूं मैं, 14,000, 16,000, 18,000, 20 इसी रेंज की है, क्योंकि जंगल में माल भाई हाई रेट में मिलता है, देख देख के माल उठाना पड़ता है, हिसाब से लेना पड़ता है, सब देख कर लेता है। ये बताया आपको 2 दांत बकरा है, देखो आप इसके हाइट लेंथ देखो भाई, ब्रीडिंग के लिए ऐसे बकरे यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि 2 दांत पे होके ये 70-80 बॉडी वेट पकड़ते हैं, तो इसे ब्रीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान की शान, रेगिस्तान का ऊँट, और ये ब्रीडर, ठीक है, ये 2 दांत पे है लेकिन अच्छे हाइट लेंथ है। और ये देखो ये बकरा है, ये है 4 दांत पे, ठीक है। कलर देखो इसका एक नंबर, गहरे कलर में, कानों की लेंथ हाइट अच्छी है, ये ब्रीडर मैंने लिया है, ठीक है। तो इसकी रेट में मेंशन कर सकता हूँ, ये 30,000 का लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने लिया है, वो बाकी रेट में नहीं आए तो नहीं लिया। और ये बकरा मैंने लिया है, ये मैं फार्म पे भी लाऊंगा, ख़रीदा है ये लगभग मैंने 30,000 का, मैंने मेरी खरीद है भाई, मैं आपके सामने इसलिए बोलता हूँ राजू भाई कि मेरी खरीद है, तो उस रेंज में भाई मैं रेट बता देता हूँ, बंदा वही लेकर आया था, आपने 30,000 में दिया है, इतने में मुझे दे दो। मेरा भी तो कुछ रहता है, मुझे पूरे दिन भर घूमना पड़ता है फार्म के लिए, माल लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने फाइनल बताया 30,000 का मैंने लिया। और ये बकरा है, ये 4 दांत पे है, ठीक है, ये देखो ये 4 दांत पे है। ब्रीडिंग के यूज़ पे सारे बकरे जो बता रहा हूँ मैं, ब्रीडिंग में यूज आने वाले हैं, ठीक है। ये 4 दांत है और हाइट लेंथ अच्छी बकरे की। और देखो इसको कलर, जिस भाई को अलग अलग कलर में पसंद होते हैं ना, तो ये स्पोर्ट में ही है, लेकिन ये कम स्पोर्ट में है बच्चा, लेकिन बच्चा अच्छा है, ब्रीडिंग के लिए यूज़ ले सकते हो, अच्छी हाइट लेंथ है, बॉडी वेट 70+ है भैया। और ये है लगभग 80-90 kg का बॉडी वेट, 90 kg बॉडी वेट में, ये लगभग अभी 6 दांत पे है,
ठीक है, ये 6 दांत का बकरा, ये सिरोही नस्ल अजमेरी सिरोही में, ये ब्रीडिंग में यूज़ ले सकते हो इस बकरे को। जो भी मैंने पूरे बकरे बताए मैंने आपको डिटेल से बताया, रेट के मेंशन जब भी करता हूँ जब बकरा मैंने खरीद लिया हो, ठीक है भाई, जब मैंने बकरा खरीदा हो ना तभी मैं रेट का मेंशन करता हूँ। बाकी तो क्या है कि जो रेट में, और ये बकरियाँ हैं लगभग इन बकरियों की रेटें की बात करो तो 18 से 20-22 हज़ार तक की रेट में ये बकरियाँ हैं, क्योंकि इनके साथ बच्चे भी है और अच्छी नस्ल हाइट लेंथ है। नस्ल का पसंद है कि गर्दनों की लेंथ देखो आप, गर्दन की जो हाइट होती है ना वो बकरियाँ बेस्ट होती है भाई, ठीक है। और ये देखो ये बकरियाँ, इनकी रेट में मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि ये रेंज से बाहर है, लगभग इनकी डिमांड कर रहे हैं भैया 28-30 हज़ार की बकरियों की, तो मेरे अंडर में नहीं आती तो मैं कैसे लूँ, ठीक है। और इसमें ब्रीडर है, ये बच्चा देखो एक प्योर सिरोही में है, कलर देखो ये बकरियों की, देखो चमक देखो आप, आपकी डाइट देखो क्या प्लान देता है, गाइड प्लान अच्छा रहता है, चमक देखो बच्चे को। और इसे ब्रीडर है ये, अब इस साल में अब की बार इसको क्रॉसिंग में यूज़ होगा, इसके कलर देखो ब्रीडर का। इसका रेट मैं नहीं मेंशन करता है क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है, केवल मैं आपको देखने जाता हूँ तो रेट अगला बंदा देता ही नहीं किसान, तो क्या रेट बताऊँ भाई, वो खुद ही मना कर देता, अभी देने का कुछ माल ही नहीं है, ठीक है। मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि भाई जंगल घूमने के बाद कैसा कैसा माल दिखता है, लेकिन रेट का मेंशन इसलिए नहीं करते कि वो अगला बंदा दे ही नहीं पाता, उसको भी कई 10-15-20 बकरियाँ रखने की होती है, तो वो सेलिंग पे नहीं, हर बकरी सेलिंग पे नहीं रखता, जो देने की होती है वही बताता है भाई मुझे ये माल देना है, या कभी ज़रूरत होती है माल की। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक।